अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुदस्सिर अली और आज मैं आपको एक नई वीडियो में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपनी आवाज़ को, चाहे आप आवाज़ जो भी बात करें, जो भी लफ्ज़ अल्फाज बोलें, उसको आप किसी की भी आवाज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप रोबोट की आवाज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या किसी जैसे मूवीज़ वगैरह में जो ड्रोनी मूवीज़ होती हैं उनमें हॉरर मूवीज़ की आवाज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी इसमें कन्वर्ट हो सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च करना है वॉइस चेंजर। यहाँ पे मुख्तलिफ अब आपके सामने है वॉइस चेंजर, आपके सामने ऐप्स खुल जाएंगे, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं तकरीबन इसका चौथा नंबर है, 4.2 इसकी रेटिंग है। इसे आपने इंस्टॉल करना है, मैंने इंस्टॉल कर रखी है तो देखें यहाँ पे मेरे ऑप्शन ओपन का ऑप्शन देख रहा है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। यहाँ से मैंने इंस्टॉल की हुई है तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर जो ऊपर सबसे ऊपर निशान बना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग की आप आवाज़ जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहें वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पहले से रिकॉर्ड कर रखी है तो मैं यहाँ आपको आपको चला के दिखाता हूँ किस तरह आपने वो आवाज़ चेंज। जैसे मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की है, मैं यहाँ से स्पीकर आवाज़ में ये कैंगरू से बना हुआ है, इसके आवाज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देख सी आवाज़ कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से ज़ॉम्बी की आवाज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें भी जी कन्वर्ट आप। हेलो क्या हाउ टू आई सिंग। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ शीप की आवाज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से शीप की आवाज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह ये डेथ देख सकते हैं, मुख्तलि किस्म के फंक्शन है जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहें, जिस तरह के बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन का सेव रिकॉर्डिंग, यहाँ से आप उसको रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हैं। वॉइस टोनर ये न्यू ऑप्शन है, इसमें आपको शायद पेड़ वगैरह आपको ऑप्शन होता है कि वो ज़्यादा ऑप्शन आपके सामने खुल सकते हैं। इसके अलावा ये चौथ देखे लीजिए रिमूव एड्स है आपके सामने, इसमें उनके नेट से काम करती है तो आगे एड्स जो होती हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं आसानी के साथ, यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हैं जो भी एड आपके सामने आती है। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं लाइक है फेसबुक, इनको आप फेसबुक पर इनका पेज लाइक करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा नीचे से आप सेटिंग कर सकते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन नेट से डाउनलोड करके जो किस्म की आवाज़ आप चाहते हैं वो करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से तीन चैनल नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप इम्पोर्ट प्री रिकॉर्डिंग साउंड या इसको आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तीसरा नंबर देख सकते हैं रीड करंट रिकॉर्डिंग, जो आपने रिकॉर्ड की हुई आवाज़ अगर आप उसको सेव नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं उसे। यहाँ पे आप देखें क्रिएट पर करेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग तो ये अब ये क्रिएट हो जाएगी, नाम आपको मांगेगी किस नाम से आपने सेव करना चाहते हैं, उसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें, और कोई बात पूछनी नहीं है वो मुझसे कमेंट में आप पूछें। उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।